धनवान बनो, लेकिन धर्म की शरण में रहो, क्योंकि संसार की आग में जलने से बचाने के लिए धर्म की शरण जरूरी है। पति का क्या धर्म है? लोग पति तो बन जाते हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि मेरा धर्म क्या है। कितने पति लोग अपनी पत्नी को रोज पीटते हैं, वो समझते हैं ये मारने के लिए मिली है, इसको रोज मारो। वो जिधर से आते उधर से एक थप्पड़ लगा देते हैं। एक पति भोजन करके निकला और अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया। पत्नियां बड़ी महान हैं, बहुत थप्पड़ खाकर भी मुस्कराती रहती, सहती बहुत है। थप्पड़ मारा तो पत्नी ने पूछा, भोजन खा लिया और थप्पड़ मार दिया क्यों? बोले भोजन बहुत खराब बना है, टेस्ट खराब है, इसलिए थप्पड़ मारा, ठीक बनाया करो। तो पत्नी ने ठीक ठाक बनाया शाम को भोजन, तो फिर खाया पति ने, फिर उठा कुल्ला करके आए, फिर एक थप्पड़ मार दिया। बोले अब क्यों मारा? बोले अब इसलिए मारा कि सवेरे ऐसा क्यों नहीं बनाया था। रात बीत गई, सवेरा हुआ, फिर पत्नी ने बनाया भोजन, बड़े भाव से बनाया, सोचा आप थप्पड़ से बचना है, थप्पड़ से तो अक्कल आनी चाहिए, कम से कम बहुत हो गया, कितनी बार थप्पड़ खाएंगे। पति भोजन खाया और मुस्कराया और फिर कुल्ला करके आया और पत्नी के फिर एक थप्पड़ मारा। पत्नी ने कहा आप क्यों मारा? बोले अब इसलिए मारा कि रोज ऐसा ही बनाया करो। आदत है मारने की। ये पति का धर्म नहीं है, पत्नी का धर्म भी नहीं है कि अपने पति को गाली दे, पति का अपमान करे। पुत्र का धर्म नहीं है कि अपने माता पिता को दुख दे, सताए और माता पिता की इज्जत को बर्बाद करे। यदि आप किसी के पुत्र हो, पुत्री हो, अपने धर्म को याद करो, अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाने के लिए तुम संतान बनकर आए हो, उनका नाम बढ़ाने के लिए तुम पुत्र पुत्री बनकर जन्म लिए हो, नाम मिटाने के लिए नहीं। इसलिए पुत्र और पुत्री को चाहिए कि कहीं आकर्षित ना हो, कहीं बेविचार में ना फंसे, शराब ना पिए, गुंडे लफंगों की संगत ना करें, गलत लड़कियों की संगत मत करो। बेटियों को अगर महान बनना है तो गलत लड़कियों की संगत छोड़ दीजिए। लड़कियां भी बहुत खतरनाक है, चुड़ैल से कम नहीं है। लड़के भी बहुत खतरनाक है, पूरा भूत प्रेत है, ऐसा ऐसा मुंह बना बना कर निकलते हैं। मैं तो सोचता हूं कि नए मॉडल के भूत आ रहे हैं। ये कितना ही फैशन का दौर चल रहा हो, आप मेरे कपड़े देखते होंगे, हम कपड़े कभी क्रीज नहीं करते हैं। साधु बने तब भी नहीं, और साधु नहीं बने थे, घर पे थे, पढ़ते थे, तब भी नहीं। जो एक बार टेलर ने कर दिया, लोहा चला दिया, प्रेस बस हो गया, फिर बस वैसे ही रखना हमारा फैशन। गुरु के पास कोई फैशन नहीं है, लेकिन फिर भी उस गुरु का जीवन ही इतना सुंदर है कि उसके जीवन का दर्शन करने के लिए हजारों लोग इंतजार करते हैं। ये उल्लुल जुल्लुल कपड़े पहन करके, कटी फटी पैंट पहन करके, किसी माता बहन के शरीर पर ढीले ढाले कपड़े जितना सुंदर सुशोभित होते हैं, टाइट कपड़े सुंदर नहीं लगते। इसलिए
मैं समस्त माता बहनों से कहूंगा ढीले ढाले कपड़े पहनो। हम लोगों कपड़े कितने ढीले ढाले, सब झम्मर झोल है, झम्मर झोल पहनता हूं मैं। बस ये तो आपके सामने शर्म लगती, मैं सुबह परिक्रमा में जाता हूं, जब देखता हूं कोई नहीं तो लांग बांध लेता हूं। बस तेज चलो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो। किसको दिखाना है, कौन देखना चाहता है, कोई नहीं। सारी दुनिया अपने अपने को दिखाना चाहती है, देखना तो कोई चाहते ही नहीं। तो किसके लिए तुम कटी फटी पैंट पहने घूम रहे हो, किसके लिए छोटा बुशर्ट पहनकर घूम रहे हो, किसके लिए तुम सब टेढ़े मेढ़े टांग करके खड़े हो रहे हो। कोई किसी को देखना नहीं चाहता है, सब लोग अपने अपने को दिखाना चाहते हैं, इसलिए सबको धन्यवाद देकर चुपचाप अपने काम में लग जाते हैं। माँ बाप का सम्मान बढ़ाओ, ये तुम्हारा धर्म बनता है। और लाड़ी का धर्म ऐसा व्यवहार, ऐसा स्वभाव हो कि घर के सभी सदस्य उसको लाड़ प्यार करें। लाड़ी का अर्थ है नहीं कि लड़ाई करने के लिए आई हो। कितनी लाड़ी तो महाभारत की योद्धा है, जयद्रथ, हाँ बिल्कुल भीम जैसी गदा लेकर आई, डबल बेड भी लाई है और डबल एटम बम भी लाई है, हाँ बहुत खतरनाक है। और जो लाड़ी आलसी है, निकम्मी है, कामचोर है, कुछ करना नहीं चाहती है, सहनशील नहीं है, वो लाड़ी याद रखना आपके घर में महाभारत खड़ी कर सकती है। वो लाड़ी घर में शांति नहीं आने दी। आप कितने बड़े घर की बेटी हैं, छोड़ो बकवास, आप कितने बड़े घर के बेटे हैं, छोड़ो प्रपंच, आप किस घर को छोड़कर आए साधु बने, अरे छोड़ो फालतू बात, तुम साधु बन गए तो बस। अब वही एक बात है, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटुक बचन साधु सहे, और से सहा न जाए, और से सहा न जाए। मन सोहरों नहीं बना। दुकानदार का धर्म, उसे भी जान लो क्या धर्म। मन संकल्प करे नहीं पूरा, मन संकल्प करे नहीं पूरा, जानी के बंद तजे ते ही सूरा, जानी के बंद तजे ते ही सूरा।